का फुल फर्नीचर फ्लैट सेफ्टी डोर है ये लिविंग रूम है यहाँ पे एक छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉवर दिया है ये ड्रॉवर है और यहाँ पे नीचे स्टोरेज दिया है अपने बल्डो यहाँ पे 5-seater सोफा दिया है वुडन लेग्स है एक छोटा सा यहाँ पे टीवी यूनिट दिया है विद स्टोरेज पूरा फर्नीचर मॉड्यूलर है यहाँ पे डाइनिंग एरिया है 6-seater डाइनिंग एरिया डाइनिंग टेबल है पूरा टी कोड का है बर्मा टी अभी चलते हैं किचन में ये किचन ट्रॉली बेसिन के नीचे यहाँ पे दिया है डस्टबिन होल्डर और एक यहाँ पे दिया है सॉप होल्डर यहाँ पे एसएस का 304 का ट्रॉली डाला है जो कि लाइफ टाइम वारंटी फ्री है इसकी कंसील हैंडल दिए हैं प्रोफाइल हैंडल यहाँ पे कटलरी का बास्केट दिया है पूरा सॉफ्ट क्लोज है यहाँ पे पुल आउट दिया है 3-layer पुल आउट प्लेन बास्केट यहाँ पे अलग से एक्सटेंड किया है ये प्लेटफॉर्म ये दिया है क्रॉकरी यूनिट जो कि ओपनेबल डोर है ये स्टोरेज यहाँ पे हाइड्रोलिक शटर दिया है सेम ये साइड में भी है ये ड्रेसिंग यूनिट है जिसके अंदर सेल्फ वगैरह दिए हैं पूरे बैंगल्स के लिए दिया ये नीचे स्टोरेज दिया है ड्रावर स्टोरेज और ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है नीचे ड्रावर्स वगैरह दिए हैं ऊपर शेल्फ है और उसके ऊपर लॉक तो दिया है ये हैंगर के लिए दिया है यहाँ पे आप देखेंगे तो फोल्डिंग शेल्फ है
तो अब चलते हैं गेस्ट रूम में। ये हमारा छोटा सा गेस्ट रूम है, ये हाइड्रोलिक बेड है और ये छोटा सा स्लाइडिंग वार्डरोब है और उसके ऊपर लॉफ्ट दिया है। आइए इसको ओपन करके देखते हैं। नीचे दो ड्रावर दिए हैं और ये पूरा स्टोरेज है। सॉफ्ट क्लोज फिटिंग दिया है एटिक का। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।